नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में फिर ब्यूरोक्रेसी की एक खबर लेके हम हाजिर हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी की ऐसी खबर जिसको सुन के आप भी को लगेगा जो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बिहार से आईएएस आईपीएस लगातार भाग रहे हैं या कहें पलायन कर रहे हैं या दिल्ली की ओर जा रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? कोई वीआरएस ले रहा है तो कोई सेंट्रल डिप्रेशन पे जा रहा है, कोई सेंट्रल डिप्रेशन के लिए प्रयासरत है, कोई एनओसी लेने में लगा हुआ है, दिन भर सारा काम छोड़ के एनओसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। कुछ लोग रोज जिले में बैठकर अपने आप को दिल्ली में सेट करने पर लगे हुए हैं। मतलब कहें जो पुलिस के आला अधिकारी से लेकर के आका मतलब डीजीपी भी जाने की तैयारी में है। लोगों ने यहाँ तक कह रखा है जो उन्होंने अपना बैग पैक कर लिया है, बोरिया बिस्तर बांध लिया है, किसी भी दिन उनका मार्चिंग ऑर्डर आ सकता है और सीधे फ्लाइट पकड़ेंगे दिल्ली। अगर ऑर्डर आता है तो दो चार घंटे भी वो बिहार में नहीं रहेंगे। आखिर बिहार से क्या हो गया उनको? मतलब इतनी नफरत क्यों, इतनी कहें जो एक तरह से कहें जो बेरुखी क्यों? अब कहें जो एक नया नाम और आ गया है जो फिर बिहार से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, बहुत ही ईमानदार पदाधिकारी संदीप पौंड्रीक। 93 बैच के आईएएस अफसर हैं, अभी उद्योग विभाग के सचिव हैं और ऊर्जा विभाग का भी अतिरिक्त प्रभार संजीव हंस के हटने के बाद मिला है। वैसी स्थिति में इन्हें इम्प्लीमेंट कर लिया गया है सचिव में और ये इस्पात मंत्रालय में सचिव बनकर इनकी तैनाती हो सकती है, वहाँ से क्लियर कर दिया गया है। अब राज्य सरकार इनको एनओसी कब देती है, क्योंकि देना तो होगा ही, क्योंकि वहाँ से जब क्लियर हो गया है तो राज्य सरकार एनओसी देगी तभी ये जाएंगे। तो अब डीजीपी भट्टी भी जाने की तैयारी में, संदीप पौंड्रीक भी जाने की तैयारी में, कई सारे और हमारे पास जो जानकारी है जो आईजी हेडक्वार्टर जो राकेश राठी हैं वो भी जाने की तैयारी में है। उनको तो शायद किसी विभाग से लेटर भी आ गया है, एनओसी के लिए घूम रहे हैं। वैसी स्थिति में कहें जो हमारे पास जानकारी, हम नाम नहीं लेंगे, दो जिले के एसपी भी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, वो भी जाना चाह रहे हैं। और उन लोगों की मुंह से अगर बात करें तो दोनों का दो विभाग में, जो केंद्र का विभाग है, एक का कहा जा रहा है सीबीआई में और एक का कहा जा रहा है एनआईए में। वैसी स्थिति में वो दोनों आईपीएस भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वहाँ से ओके नहीं हुआ है। इससे पहले सत्यवीर सिंह जा चुके हैं, शैला सबला राम भी जा चुकी हैं। वैसी स्थिति में आखिर क्या है? आपने कल दो दिन से देखे सुर्खियों में है आईपीएस काम्या मिश्रा ने अचानक से इस्तीफा दे दिया, कोई कारण नहीं दिखा। उन्होंने जो कारण बताया है वो लोगों को उस पर यकीन नहीं हो रहा है, एतबार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा जो अपने परिवार में समय देना है, पिताजी का व्यवसाय है, व्यापार है, उसको संभालना है, तो वैसी स्थिति में उन्हें उड़ीसा में रहना पड़ेगा। जबकि उनके पति अवधेश दीक्षित या अवधेश सरोज कह लें, वो बिहार के मुजफ्फरपुर में अभी सिटी एसपी हैं, पटना में पालीगंज में थे, तो वैसी स्थिति में वो उड़ीसा में रहेंगी। उनके पति देव अगर बिहार में रहते हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अमूमन कई तरह की बातें आ रही हैं और उस पर ज़्यादा लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल या कुछ लोगों का कहना है प्रेशर, कुछ लोगों का कहता है ज़्यादा दखलअंदाजी, कुछ का कहना है जो पीके का कहीं तो नहीं इसमें प्रभाव है। वैसी स्थिति में जितनी तरह की जितनी मुंह उतनी बात, एक जगह मैंने पढ़ा है जो कहा गया है जो प्रशांत किशोर की पार्टी ज्वाइन करेंगी काम्या मिश्रा, तो वैसी स्थिति में हो सकता है वो ज्वाइन भी करें, क्योंकि बहुत सारे आईएएस आईपीएस यहाँ से जो निकले हैं नौकरी छोड़ने के बाद वो प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर की पार्टी में उनको लग रहा है जो बहुत अहमियत मिल रही है, हजारों हजार की संख्या में भीड़ आ रही है, ज्ञान भवन भर जा रहा है 5,000 के भीड़ वाला, तो ज्ञान भवन ज्ञान यहाँ तो गांधी मैदान में जो लोग भर लेता है उसकी पार्टी हार जाती है। अब ये भीड़ वोट में अगर कन्वर्ट होता तो हर आदमी यहाँ पर हर चौथे दिन एक मुख्यमंत्री यहाँ बदलता। भीड़ वोट में अगर कन्वर्ट नहीं होता है तो आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। वैसी स्थिति में लोग अगर ज्ञान भवन को ही भर कर चाह रहे हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं लगता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे आईएएस आईपीएस पे, तो अब जो संदीप पौंड्रीक भी जाने की तैयारी में, राकेश राठी भी जाने की तैयारी में, उधर से कहें जो आरएस भट्टी जो बिहार के डीजीपी हैं वो भी जाने की तैयारी में हैं, लगे हुए हैं। वैसी स्थिति में ये अब लोग सोचने को मजबूर हो गए हैं। वीआरएस ले लिया काम्या मिश्रा ने भी, दो एसपी रैंक के पदाधिकारी हैं अभी जिले में तैनात हैं, हम फिर कहेंगे नाम नहीं लेंगे, जिले में तैनात हैं, वो भी जाने की तैयारी में जुगत में लगे हुए हैं, जुगाड़ में लगे हुए हैं। जो एक बार दिल्ली चले जाएंगे तो प्रमोशन या एडीजी रैंक में या जो भविष्य में इम्पैनलमेंट अगर होगा सेंट्रल में तो उसमें उनको परेशानी नहीं होगी। सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन
अब 2015-16-17 बैच के लोग अगर जाते हैं इतनी जल्दी, तो इसको लेकर के भी सरकार को सोचना पड़ेगा। जो जिस व्यक्ति को अभी फील्ड में काम करने की मतलब आज़ादी है, जिस व्यक्ति को, जिस आईपीएस अफसर को फील्ड में काम करना चाहिए, वो भी जाने के जुगाड़ में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कोई सिस्टम में फेल्योर है, उस सिस्टम से वो त्रस्त है, उस कार्य प्रणाली से वो त्रस्त है। इस कारण से वो आईपीएस की लॉबी, आईएएस जो है, लगातार दिल्ली की ओर पलायन कर रहे हैं। मजदूर का पलायन तो हमने सुना था, लेकिन अधिकारियों का पलायन ये अचानक से हो रहा है। ये पहले ठीक है, लोग जाते थे अंतराल पे, लोग कहते हैं जो जाते हैं 5 साल के बाद लोग लौट के भी चले आते हैं, कई लोग गए लौट के आए, कई लोग आने वाले भी हैं। कई जैसे मेरी जानकारी में एसएसबी में आईजी हैं पंकज दराद, वो भी आने वाले हैं। लोग कह रहा है जो जितेंद्र राणा भी आने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन अचानक से अब तीन बड़े नाम, अगर आर एस भट्टी, संदीप पौंडरिक, राकेश राठी जैसे अगर नाम अचानक से गूंजने लगते हैं जो ये लोग जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में कुछ न कुछ सिस्टम का फेल्योर है और सरकार को इसको दुरुस्त करना पड़ेगा। और सबसे पहले तो पुलिस पटेल भवन ने हंसना छोड़ दिया है पिछले लगभग 1.5-2 साल से। वहाँ लोगों की हंसी गायब हो गई है। पटेल भवन के अधिकारियों को उस भवन के अंदर हंसते हुए नहीं देखा गया है, क्योंकि इतनी गुटबाजी है और इतने गुट में लोग वहाँ बटे हुए हैं, जिसको लेकर के आला अधिकारी कहे वहाँ अधिकारी परेशान रहते हैं। तो क्योंकि अपने काम में ही केवल ध्यान देते हैं, पहले लोग इधर उधर घूमते थे एक कमरे से दूसरे कमरे, लेकिन ये सब आजकल बंद है। अब देखना है जो अगली बारी किसकी है, अगला आईएएस आईपीएस में से कौन आईएएस आईपीएस, बहुत जल्द हम आपके पास लेके आएंगे। जो मेरे पास तीन नाम हैं, जो तीन जाने की तैयारी में, वैसे राकेश राठी को भी एनओसी अभी तक नहीं मिला है। तो देखना है जो तीन चार नाम में से किसको एनओसी पहले मिलता है, किसको बाद में मिलता है। हम इन खबरों के साथ फिर आपके पास लौटेंगे। दर्शकों, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैसा लगा यह कार्यक्रम, आप अपना कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर दें।